तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यूजिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो हमारे सिलेबस में भी यही है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो जब इसकी हम प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो थ्योरी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होती क्या है? प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल ट्रांसपेरेंट इक्विडिस्टेंट स्लिट्स। तो क्या होता है, एंड स्लिट्स का अरेंजमेंट होता है। अभी तक 12th में आप क्या पढ़ रहे थे, सिंगल स्लिट डबल स्लिट इस तरीके से पढ़ रहे थे। तो स्लिट्स का अरेंजमेंट होता है और एंड स्लिट्स होती हैं, इक्विडिस्टेंस होती हैं, और हर एक की जो स्लिट विड्थ है वो इक्वल होती है, उसको हम प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। अगर आप नेक डाइस से अगर आप देखोगे तो आपको एक प्लेन ग्लास दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। और उस प्लेन ग्लास में क्या होता है, लाइंस होती हैं ऐसे पैरेलल लाइंस, ये स्लिट्स हैं जो लाइंस हैं। ये इसको एक मिनट अनडू करके इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं। तो क्या है, प्लेन ग्लास जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, उसमें एंस लाइंस होती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे से जो इनकी डिस्टेंस है वो इक्वल है, और क्योंकि सेम उससे ड्रॉ हुई भी होती हैं या स्लिट्स बनी होती हैं, तो ये जो है इक्वल विड्थ की होती हैं। तो यहाँ पर विड्थ को ए से दिखा रखा है और इनके बीच का सेपरेशन को बी से दिखा रखा है। बट जो मैं डेरिवेशन करूंगी उसमें स्लिट विड्थ को मैं ई से लूंगी और उनके बीच के सेपरेशन को डी से लूंगी, तो ई प्लस डी लिखती हूँ वहां पर ए प्लस बी और ई प्लस डी सेम ही बात है। स्लिट विड्थ को ए कह दिया है यहाँ पे और मैं ई बोल रही हूँ, और वहां पर दो स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को डी से डिनोट किया है मैंने, जो डेरिवेशन कराती हूँ थ्योरी में, और यहाँ पे बी से डिनोट किया है, बट ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। तो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है। और किस तरीके से लाइन होती है, हर एक स्लिट के ऊपर लिखा होता है कि कितनी लाइंस कितनी डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ग्रेटिंग जो ज्यादातर यूज होती है उसमें होता है 1500 लाइंस ऐसे लिखा हुआ होता है पर इंच। आप समझ सकते हैं 1 इंच में कितनी लाइंस होती हैं, 15,000 लाइंस पर इंच। तो 15,000 लाइंस पर इंच लिखा होता है हर एक ग्रेटिंग पे। तो आप सोच सकते हो कितनी क्लोजली होती है, कि नैक डाइस से हम जब ग्रेटिंग को देखते हैं तो ये हमें प्लेन ग्लास जैसी ही दिखती है, बट क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, वो जब हम अभी ये देखेंगे कंडीशन तो पता लगेगा, ठीक है। तो हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट की, तो 2.54/n, ये इंच की वजह से हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ लाइंस। तो जैसे यहाँ पे हमने 15,000 लाइंस दिया है तो ये हो जाएगा 2.54/15,000 सेंटीमीटर में, ये हमारा ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। एन ऑर्डर होता है, और ये लाइंस ड्रॉ कैसे होती हैं, डायमंड का पॉइंट्स लेते हैं, डायमंड लेते हैं, उस डायमंड से ये स्लिट बनती है, ठीक है। तो डायमंड से ये जो लाइंस हैं ये डायमंड पॉइंट से ड्रॉ हुई हुई होती हैं। जो डिफ्रेक्शन है या कह लीजिए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग में प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा, ये कंडीशन होती है। और अगर यहाँ से साइन थीटा को हम देखेंगे तो वो जाएगा एन लैमडा अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, अगर थीटा कैलकुलेट करना है। और अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो लैम्डा हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन। तो मतलब ए प्लस बी की वैल्यू अगर हमें, क्योंकि ये तो ग्रेटिंग जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता ही होगा ए प्लस बी कितना है, उस पर लिखा ही होता है, थीटा कैलकुलेट कर ले और एन कैलकुलेट कर ले तो लैम्डा आ जाएगा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए ही हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू इस प्रैक्टिकल या एप्रेटस से कैलकुलेट करेंगे और हमारा फिर हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो होता क्या है, अगर ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग प्लेस होती है कहीं पे,
है। और इस पे अब हमें क्या चाहिए, स्पेक्ट्रा चाहिए। स्पेक्ट्रा चाहिए तो मतलब हमें ऐसा कलर चाहिए जिसमें सारे कलर्स हों, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। ग्रेटिंग के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं फिलहाल रिमूव कर रही हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से ये हटा देते हैं फिलहाल। स्पेक्ट्रा ही बनाते हैं। तो क्या किया, देखिए, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग लिया। ये क्या है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, डीजी लिख रही हूँ उस पे। इस पे इंसिडेंट क्या किया, व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया। व्हाइट लाइट क्यों कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट देख रहे हैं जिसमें सारे कलर्स हों, तो व्हाइट लाइट यूज करते हैं, मतलब मरकरी लैंप यूज करते हैं। तो जब हमने इस पे व्हाइट लाइट डाला और सामने से देखेंगे, सामने से कैसे देखेंगे, आप पहले एपरेटस बता देती हूँ। एपरेटस में क्या होता है, यहाँ पे नीचे बना रही हूँ एपरेटस का डायग्राम, बाकी हम जब वर्चुअल लैब में जाएंगे तो वहां दिखी जाएगा। पहले एपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एपरेटस में क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है, जिसमें दो साइड इस तरीके से स्केल बने होते हैं जिसपे V1 और V2 लिखा होता है। तो ये वर्नियर स्केल 1 है, ये वर्नियर स्केल 2 है, जो दोनों एक दूसरे से पूरा 180 के एंगल पे होते हैं ये दोनों। रीडिंग पढ़ना अभी नहीं बता रही हूँ। उसके अलावा फिर इधर एक कॉलीमीटर लगा होता है, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर टेबल भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। एक कॉलीमीटर लगा होता है जिसके अंदर लेंस होते हैं, इधर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, ठीक है। ये व्हाइट लाइट इसके अंदर कॉलीमीटर से जाती है तो पैरेलल बीम्स इस पे इंसिडेंट होते हैं। इधर स्पेक्ट्रोमीटर की टेबल पे, टर्न टेबल पे, यहाँ पे हम ग्रेटिंग प्लेस करते हैं। फिर एक इसी तरीके का हैंडल आर्म लगा होता है, जिसको इस आर्म में यहाँ पे आईपीस लगा होता है। इस आईपीस से हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आई से हम ऑब्जर्व करते हैं जो सामने दिख रहा है। तो क्या करते हैं, सामने से देखेंगे, फिर इधर और इधर रोटेट कर सकते हैं, इस आर्म को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं इजीली। और ये जो टर्न टेबल है, इसके नीचे यहाँ पे इसके लैग्स लगे होते हैं, तो उन लेग्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक स्प्लिट लेवल भी होता है कि इसको बैलेंस करना है। तो इस आई से हम इस आर्म को, मतलब हम अपने ये जो आर्म बन रही है इसको रोटेट कर सकते हैं, और आई भी फिर इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो क्या करते हैं, एक बार राइट साइड की रीडिंग नोट करते हैं, एक बार लेफ्ट साइड की रीडिंग नोट करते हैं, और आई से ऑब्जर्व करते हैं एपरेटस में। हमें रीडिंग कैसे नोट करेंगे वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता रही थी स्पेक्ट्रा के बारे में, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। तो क्या होगा, आप ऐसे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जब रखेंगे और उस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी, तो अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपको व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, ये हमारा जीरो ऑर्डर है, तो अगर यहाँ एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। तो वेवलेंथ कोई सी भी हो, थीटा जीरो ही रहेगा, तो सारी लाइट हमें सेंटर में दिखाई दे रही है, और सब लाइट्स के जो कॉम्बिनेशन है फिर हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही एन इक्वल टू वन रखेंगे तो थीटा जो है लैम्डा पे डिपेंड हो जाएगा। थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन थीटा लैम्डा से। तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे थीटा चेंज होगा, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फिर अगर हम आर्म को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं या राइट साइड रोटेट कर रहे हैं, इसको इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो हमें कलर्स फिर अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक कलर का जो थीटा है वो अलग अलग होगा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका थीटा सबसे कम होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका थीटा सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, कौन से कलर की होती है, रेड। तो सबसे लास्ट में हमें रेड कलर दिखाई देगा और सबसे पहले हमें वॉयलेट कलर दिखाई देगा। ये वॉयलेट कलर का थीटा है और ये रेड कलर का थीटा है।
इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ऐसा ही हमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिखेगा, पहले वॉयलेट कलर दिखाई देगा, फिर रेड, और इसके बीच में बाकी कलर्स होंगे, जो भी इसमें कलर्स होंगे बीच के। तो क्या करते हैं हम, इस एपरेटस से थीटा की वैल्यू नोट कर लेते हैं, जिस भी कलर की हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वॉयलेट करना है तो वॉयलेट के लिए थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, रेड करना है तो रेड कर लेंगे, ग्रीन करना है तो ग्रीन या येलो, जिस भी कलर की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम इस एपरेटस से थीटा निकाल सकते हैं। तो इधर और इधर से देखिए, इधर थीटा है, इधर थीटा, जब दोनों साइड से हम करेंगे तो टू थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और फॉर्मूले में थीटा है तो टू थीटा को डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। तो क्या है, एपरेटस की हेल्प से हम थीटा कैलकुलेट करते हैं और इस फॉर्मूले में साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा लैम्डा आ जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। तो एपरेटस, एपरेटस क्या क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर है, वो जो टर्न टेबल है, मरकरी लैम्प, क्यों व्हाइट लाइट चाहिए, स्पिट लेवल, हम बैलेंस अभी यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब एक्चुअल लैब करते हैं वहां पे स्प्रिट लेवल की जरूरत होती है बैलेंस करने के लिए, लैग्स कहीं टेढ़े तो नहीं हो रहे, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही हमारी ग्रेटिंग। ग्रेटिंग चाहिए हमें, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, साथ में वहां पे मैग्नीफायर और रीडिंग लैम्प चाहिए होता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी जूम होकर वो हमें दिखाई देती है रीडिंग, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन, लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। जो ये हमारा टर्न टेबल है, इसमें ये जो वर्नियर स्केल V1 है और जो V2 है, ये पूरा ये टर्न टेबल पे किधर भी हम इस स्केल को रोटेट कर सकते हैं। ऊपर ये दो तरीके, दो लेयर होती हैं, है ना, एक लेयर ये नीचे है, नीचे वाला तो फिक्स रहता है, ये जो ऊपर वाला है ये टर्न टेबल, ये पूरी रोटेट होती है। तो वर्नियर स्केल रोटेट होते रहते हैं तो जो रीडिंग है वो अलग अलग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो पूरा सर्किल बन रहा है, तो यानी कि जीरो से स्टार्ट होके रीडिंग, ठीक है, सामने 180 इधर, और ऐसे रोटेट होके ये कह लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 360, यानी कि यहाँ पे 350 तक की रीडिंग, 359 तक की रीडिंग पढ़ लोगे, फिर 360 तो दिखेगा नहीं, वापस से जीरो दिखेगा स्केल, है ना। तो यानी कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो डिग्री में है, और डिग्री में भी एक लाइन की कितनी वैल्यू है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 180 से सपोज हमें स्केल में 190 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारे पास 10 लाइंस हैं, तो हर एक वैल्यू 1 डिग्री हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में 20 लाइंस हैं, तो यानी कि एक लाइन की वैल्यू यानी एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 10 डिग्री अपॉन 20, भाई यहाँ पे वेरिएशन कितना हुआ 10 डिग्री का, 180 से 190, और बीच में लाइन है 20, तो 10/20, और 10 लाइन्स हैं तो 10/10 कर लेते हैं। इसी तरीके से तो लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो मेन स्केल की जो रीडिंग है यहाँ पर लीस्ट काउंट है वो 0.5 डिग्री है, 20 लाइन्स हैं, अभी एपरेटस में भी देख लेंगे। फिर आते हैं इसमें भी सेम, जैसा हमने न्यूटन्स रिंग किया था, वहां पे दो स्केल थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट वो भी कैलकुलेट करेंगे। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्नियर स्केल में इस तरीके से लाइंस होती हैं, 0 से 30 लिखा है वहां पे, तो टोटल 30 लाइंस है वहां पर, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं कि मेन स्केल पे डिविजन की वैल्यू, तो मेन स्केल पे यहाँ पर डिविजन की वैल्यू है, एक डिविजन की वैल्यू 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल, या टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल वो कितना है 30, तो यहाँ से इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट आ जाएगी, है ना, 0.5 यानी 1/22, तो 1/60 हो गया, 1/60 का मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट आपकी लीस्ट काउंट हो गई वन ईयर स्केल की, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल ये है हमारी, तो यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, आप कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे ही आपने सेंटर से लेफ्ट में क्लिक घुमाया अपना आर्म, तो फर्स्ट ऑर्डर आया, उससे और आगे ले जाएंगे तो सेम ही इसी तरीके का ऑर्डर, कि पहले वॉयलेट फिर आगे तक कलर्स दिख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए दिखेगा। तो आप किस ऑर्डर के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू, तो हम वन पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते हैं, ठीक है। अब जिस कलर के लिए आप ले रहे हैं, मैंने यहाँ वॉयलेट ग्रीन रेड लिया है,
आप इसके अलावा कोई और कलर भी ले सकते हैं, ब्लू, येलो, जो भी कलर आपको वहां पे सूट करे आप वो कलर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मैं इस कलर की रीडिंग ले रहा हूँ। फिर स्पेक्ट्रम ऑन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में स्केल नोट करना है V1 V2। स्पेक्ट्रम ऑन राइट साइड सेम उसी कलर के लिए राइट साइड में रीडिंग नोट करनी है V1 V2। सेम वही जैसे न्यूटन स्विंग में किया था हमने, मेन स्केल का रीडिंग नोट करेंगे, वनर स्केल का रीडिंग नोट करेंगे और फिर टोटल कर लेंगे। वनर स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए वही प्रोसेस है कि जो एग्जैक्टली कौन साइड कर रही है लाइन उसको नोट करते हैं और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाली स्केल डिग्री में है, यहाँ पर आप लीस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट से तो मिनट में आएगा, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी डिग्री में आएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके ये टोटल रीडिंग ले लेंगे। ऐसे ही बी टोटल आएगा, फिर ए डिफरेंस बी 2 थीटा आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही V2 का 2 थीटा आएगा, फिर डिफरेंट कलर्स के लिए आएगा, फिर थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो अभी 2 थीटा और थीटा कैलकुलेशन बाद में होगी, पहले एक बार आप इस प्रोसेस को देख लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। एपरेटस रिक्वायर लिखेंगे, फिर थ्योरी फॉर्मूला ये पूरा लिखेंगे। ये देखिए एपरेटस यहाँ पे बन भी रहा है, तो ये सामने आपको एपरेटस दिखाई भी दे रहा है, इस तरीके का एक्चुअल एपरेटस है। ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें ये काम है जो व्हाइट लाइट की साइट है, इसके अंदर कॉलीमीटर्स लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। इधर हम आईपीस से ग्रेटिंग को ऑब्जर्व करते हैं, बीच में ग्रेटिंग है। तो आप गूगल पे ग्रेटिंग लिख के सर्च भी कर सकते हो कि एक्चुअल में ग्रेटिंग किस तरीके से दिखती है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है, फिर हमारा ये प्रोसेस है कि हमें इस तरीके से जब हम इस आर्म को इधर और इधर ले जाते हैं तो कलर्स दिखाई देते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर दिखाई देता है, मतलब सारे कलर्स सेपरेट होके साथ में दिखाई देते हैं, फिर सेम वही कलर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब वो ये ऑर्डर कितने ऑर्डर दिख सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइंस पर इंच ग्रेटिंग में ड्रॉ हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर्स दिखते हैं। है कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट लिखना है। अब आप देखिए ये वाला लैब है, अमृता लैब में ही है ये वाला प्रैक्टिकल। तो ऐसे अमृता लैब में आप जाएंगे, फिर वही है फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक करिएगा। अब फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर नहीं है ये प्रैक्टिकल जहाँ पे शुरू में था, पहला वाला जो हमारा प्रैक्टिकल लेजर और ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में, ये यहाँ नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ नीचे ऑप्टिक वर्चुअल लैब में आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अमृता लैब में जाएंगे और अमृता लैब से ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में जाएंगे, और जब इसमें जाएंगे तो ये लास्ट डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग लिखा है तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो मैं फिलहाल क्या कर रही हूँ, टैब से ये वाला लिंक भी आपका चैट पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप का डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का भी लिंक शेयर कर दिया है। तो आपको सेम वैसा ही वेब पेज दिखेगा जैसा कि हमें न्यूटन स्विंग में दिख रहा था। तो ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का हमारा एक्सपेरिमेंट है, एम दे रखा है, पूरा प्रोसीजर या हमारा थ्योरी दे रखा है इसमें। इसमें भी सेम यही है, आप क्या करेंगे स्टिमुलेटर पे क्लिक करेंगे। स्टिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप कोई से भी लिंक क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब लॉगिन हो गया है तो आप स्टिमुलेटर आपका ही ओपन हो जाएगा। आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करेंगे तो आप एक इमेज दिखेगी, ठीक है। और इस इमेज में यहाँ पे फोकसिंग ऑन टेलीस्कोप आपको राइट में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है फोकसिंग ऑन टेलीस्कोप। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको फोकस करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसको फोकस करेंगे तो ये इमेज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी इमेज क्लियर हो गई है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जब आपने इसको स्टार्ट पे क्लिक किया तो आपको इस तरीके से दो स्केल दिखेंगे। देखिए एक 1 ईयर V1 ईयर स्केल 1 लिखा है, एक 1 ईयर स्केल 2 लिखा है। तो
ये वाला एक स्केल हो गया, एक ये स्केल हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी जूम करके दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर भी आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक इधर जहाँ पे 0 से 10 लिखा है खाली, और एक नीचे की साइड दिख रहा है 0 से जिसपे 30 लिखा है। तो जिसपे ये 0 से 10 लिखा है ये हमारा मेन स्केल है, और जहाँ पे ये 0 से 30 लिखा है ये 1 ईयर स्केल है। तो रीडिंग पढ़ने का तरीका यही है कि 0 के सामने जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी वो हमारे जो है इसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी, और एग्जैक्टली कौन साइड नहीं करेगा तब हम 1 ईयर स्केल पे जो एग्जैक्टली कौन साइड डिवीजन है उसको काउंट कर लेंगे, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये स्लिट विड्थ का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए लाइट स्विच ऑन करना पड़ेगा। लाइट स्विच ऑन किया तो आपको ये स्लिट विड्थ दिख रही है, इसको चेंज करेंगे तो ये स्लिट विड्थ जो है इंक्रीज होगी। फिलहाल यहाँ पे आपको इंक्रीज होके नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही ग्रेटिंग प्लेस करेंगे और स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वहां पे आप स्लिट विड्थ का वेरिएशन देख सकते हैं कि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या अंतर आएगा, वो मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से देखिए ये जो आर्म है इसकी, इसको हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट में और राइट में। तो अभी मैंने राइट में ले आई थी इसको, इसको मूव कर रही हूँ तो अभी लेफ्ट की साइड जा रहा है, और आप स्केल देख सकते हैं नीचे वाला जो स्केल है वो चेंज हो रहा है ना, ये पूरा मूव कर रहा है, तो ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज जो है चेंज होकर दिखती हैं। अब हम क्या हुआ, हम यहाँ से राइट में आ गए, टर्न टेबल जो है पूरी रोटेट हो रही है, और अब हम दूसरी साइड आ गए। तो हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये ग्रेटिंग टेबल है, इसमें हम ऊपर वाला जो टेबल है जहाँ पे ग्रेटिंग प्लेस होते हैं, जहाँ पे दो आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, हम इसको भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं, सामने ही रख देते हैं, हम कुछ इस तरीके से रखेंगे इसको। ठीक है, फिर ये 1 ईयर टेबल है, इसको भी रोटेट कर सकते हैं, ये स्केल ऊपर वाला जो है ये किस साइड ले जाना है, और टर्न टेबल को ऐसे ले जा सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसको कहीं पे भी फिक्स करके हम वैल्यू रीडिंग नोट कर सकते हैं। इसका रीजन भी बताऊंगी हम क्यों करते हैं ऐसे। ये टेलीस्कोप है, इसको वापस से हम सेंटर में ले आए, आप क्या करेंगे, प्लेस ग्रेटिंग, आपने ग्रेटिंग को प्लेस किया, तो जैसे ही ग्रेटिंग को प्लेस किया आपको आप टेलीस्कोप से आर्म को सेंटर में ले आइए। आपको ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी सेंटर की रीडिंग है, तो 0 के जो सामने रीडिंग है और जो 0 के सामने रीडिंग है इनकी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको कलर्स नोट करने हैं। तो टेलीस्कोप को एक बार राइट साइड लेके जाएंगे, एक बार राइट लेफ्ट साइड, तो जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड मूव कर रही हूँ तो ये मुझे कलर्स दिखाई दे गए, वॉयलेट से येलो कलर तक दिखाई दे रहा है मुझे। अब देखिए स्लिट विड्थ को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, मैं स्लिट विड्थ बढ़ा रही हूँ, ये मोटे दिखाई दे रही है स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे जैसे मैं इसको कम करूंगी ये लाइन पतली हो गई है, शार्प हो गई है। तो स्लिट विड्थ चेंज करने से ये फर्क पड़ता है कि अगर ज्यादा मोटी स्लिट रखेंगे तो ये बहुत मोटी स्पेक्ट्रल लाइन दिखेंगी, तो एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वॉयलेट पे फिक्स किया। रीडिंग पढ़ने का तरीका है कि 0 के सामने जो रीडिंग है वो आपका मेन स्केल का रीडिंग है, तो जैसे अभी मैंने वॉलेट पे फिक्स किया है और मैं इसको लेफ्ट साइड में मूव कर रखा है, ठीक है, तो रीडिंग पढ़ना है तो कितना होगा, 0 के सामने कितना पढ़ेंगे मेन स्केल पे, ऊपर वाला स्केल कितना वैल्यू होगा, 30 से कम है, कितना कम है, 30, 29.5, 29, ये बड़ी लाइन 1-1 डिवीजन पे है, ये 0.55 इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, तो 29, 28, 27, 27 पढ़ सकते हैं, ये 27 से कम है, ये थोड़ा सा 27 पढ़ सकते हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा साइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए विवश बस आप ही कर रहे हैं क्या? हाँ चेंज आएगा, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो मैंने ग्रेडिंग टेबल रोटेट कर रखी है। और मैम वर्नियर 2 में 117 दिख रहा है, उसके पीछे 160 होगा ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखना हाँ तो होगा। कितना रीडिंग पढ़ेंगे, वही चीज तो है। चलिए मैं और मैम ग्रेडिंग टेबल वो को, V1 और V2 में दोनों को लिख देना टेबल में। तो आपका जो आ रहा है मैं वो भी दिखा देती हूँ। चलिए तो आपका जो रीडिंग आ रहा है देखिए इससे आएगा, जब मैंने इसको 0-0 पे कॉइंसाइड किया और इधर ये 180 पे दिख रहा था, तो आपने टेलीस्कोप को लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि राइट साइड मूव कर रहे हैं। और यहां से आपने इसको वॉयलेट पे फिक्स किया, तो मेन स्केल पे 920 से कम है, और 20 से कम क्या है, ये बीच वाला लाइन 15 है, तो 15 आ रहा है, 0, 15 और 15.5 के बीच में है, तो मेन स्केल का रीडिंग जो है यहाँ पे 15 हो गया। 1 ईयर के लिए एग्जैक्टली कौन साइड देखेंगे, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली कौन साइड है, जो भी फर्स्ट कौन साइड आपको लगेगा मैच हो रहा है, तो ये वाला हो रहा है ना, ये कितना है, सिक्स, तो 6 डिवीजन मैच हो रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे 15 है, 1 ईयर स्केल की रीडिंग 6 है, 6 को लीस्ट काउंट 1 से 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले स्केल में ये 200 है, 200 से इधर कम है, ये होगा 195, तो मेन स्केल की रीडिंग है 195, ठीक है। और देखिए रीडिंग पढ़ने का तरीका सेम वही है जैसा पहले करते हैं, पहले करते आ रहे हैं, कि 0 के सामने जो जिस भी वैल्यू को 0 क्रॉस कर चुका है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने फिलहाल सेट कर रखा है रीडिंग वॉलेट के लिए, 0 जो है 15 को क्रॉस कर चुका है, 15.5 पर नहीं पहुंचा है, ये जो छोटी वाली लाइन है ये 15.5 की लाइन है, तो ये 15.5 तक नहीं पहुंचा है, इसलिए जो मेन स्केल का रीडिंग होगा वो हमारा 15 होगा। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट 15 पे नहीं है, ये अगर ऐसा होता, मैं फिलहाल टेलीस्कोप को थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा क्रॉस स्लिप से, अगर ये ऐसे होती वैल्यू 0 एग्जैक्टली 15 के सामने होता तो मेन स्केल की रीडिंग 15 होती, बट ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा आगे था, अगर ये ऐसा होता तब हमें 1 ईयर की रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, जब 0 एग्जैक्टली कॉइंसाइड करता है मेन स्केल से, तो उस केस में हमें एग्जैक्ट रीडिंग हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है और 1 ईयर की रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होती। बट ये कुछ किस तरीके का था, ये ऐसा था, हमने जब इसको फिक्स किया ये इसके बीच में था 15 और 15.5 के, तो मेन स्केल की रीडिंग तो हम 15 ही लेंगे, बट अब क्या करना पड़ेगा, हमें 1 ईयर का रीडिंग लेना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला स्केल है, तो इसकी लाइंस देखेंगे, ये तो कॉइंसाइड कर ही नहीं रही है 0 वाली, तो 1 भी नहीं कर रही है, 2 भी नहीं कर रही है, तो जो एग्जैक्टली कॉइंसाइड कर रही है सिक्स वो 6 कर रहा है, तो आपका 1 ईयर स्केल का रीडिंग 6 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 6 × 1 मिनट आपका 1 ईयर का रीडिंग हो गया, तो ये हमारा किसका हो गया, राइट साइड का रीडिंग किसके लिए, वॉयलेट के लिए V1। सेम ऐसे ही आपको 1 ईयर V2 नोट करना है राइट साइड के लिए, तो 0 किसके सामने है, ये 195 है, 195 से आगे है, ठीक है, ये कितना था 200, 199, 198, 197, 196, ये 195 वाली बड़ी लाइन है, जो बिग लाइन है, तो ये हमारा मेन स्केल हो गया 195। यहाँ पर भी सेम, अगर ये 0 के सामने होता 190 तो मेन 1 ईयर स्केल का रीडिंग लेने का जरूरत नहीं था, तो मैम बट ये 0, उसमें 0 लिख देंगे ना कॉलम में, VS वाले में।
अभी तो वीएस में तो जीरो नहीं लिख सकते ना एग्जैक्टली कौन सा साइड कहाँ कर रहा है। हाँ, नहीं मैम, अगर कॉन्साइड कर जाता है तो वर्नियर स्केल कर का रहा होता तो प्रोबेबिलिटी नहीं जीरो, देना। हाँ तब हम जीरो, हाँ नोट करने की जरूरत नहीं है, तब जीरो लिख लेते हैं। आप ओके क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है। यहाँ पर ये फिफ्थ वाली कर रही और तो वन में है ना, तो फिफ्थ यानी 5 into 1 minute, तो 1 year की रीडिंग हो गई 5 into 1 minute। किसके लिए है ये, अब हमारा वॉयलेट के लिए हो गया। ऐसे ही आप अब क्या करेंगे, बाकी कलर्स जो भी कलर की रीडिंग लेनी है, ये हमने राइट साइड के ले लिया है, सेम ऐसा ही आप हम दूसरे लेफ्ट साइड साइड लेफ्ट के ले साइड से लेंगे। लेते हाँ, हैं दूसरे साइड के ले ले लेंगे तीनों कलर का। उन तीनों कलर का V1 और V2, तो फिक्स करेंगे। फिर सेम वही प्रोसेस है, जीरो के सामने जो रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, फिर कौन साइड नहीं कर रही है तो 1 year स्केल नोट करेंगे, ऐसे ही V2 के लिए नोट करेंगे। तो मैं एक बार आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा रही हूँ कि किस तरीके की रीडिंग आएंगी, वैसे वो गलत है बट फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये रीडिंग है, इस तरीके की रीडिंग्स आएंगी आपकी, तो देख लीजिए क्या किया है, मेन स्केल का रीडिंग नोट किया है, फिर 1 year का रीडिंग नोट किया है, उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया है, फिर उसको टोटल किया है, और उन दोनों का टोटल ऐसे ही हमने लेफ्ट साइड के लिए कलर नोट किया है, ऐसा ही राइट के लिए नोट किया है। तो कल जिसने ये रीडिंग मुझे डिस्कस की थी, ये था वॉयलेट ग्रीन रेड येलो के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलतियां हैं, और गलती, चलिए गलती भी बता रही हूँ जिससे आप ये गलती ना करें, ठीक है, मैम उसके लिए कोई क्या भी तीन चेंज। कलर का कर सकते हाँ, हैं कोई हम। भी 3 color का करना है, और ओके गलती भी बता रही हूँ, और उस गलती को कैसे रिमूव करेंगे वो भी बता रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए वॉयलेट कलर के लिए जो हमने रीडिंग लिखा है V1 और V2, V1 मैंने मेन स्केल लिखा है 351, जो कि राइट साइड में हो रहा है 19, और V2 मैंने लिखा है 171, जो कि हो रहा है 199, तो ज्यादा इसको हो गया समझ है ना, नहीं ज्यादा तो होना ही है बट साथ। ऊपर वाले में तो हाँ, ऊपर उधर वाले में कम हो कम रहा हो रहा है, था, कम हो रहा ऊपर है, लेकिन वाले में, नीचे वाले में ज्यादा हो रहा है। हाँ देखो स्केल ऐसे ही है, ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है, हमारा सर्कुलर स्केल है इधर, हम या इसको पीछे वाली स्लाइड पे ले जाते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ये सर्कुलर स्केल है, हमने यहाँ पे V1 लिखा था, यहाँ पे हमारा V2 था, तो पहले केस में हमारा ये 359 आ रहा है और ये हमारा 177 आ रहा है जब हमने लेफ्ट में लिया। अब हमने इसको रोटेट किया तो ये 190 कुछ हो गया, तो ये भी मूव हो गया, ये मूव हो गया, तो ये ऑलरेडी 90 59 या 650 पे था, तो ये 360 को क्रॉस कर गया, यानी कि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ था उस जीरो को क्रॉस करके ये इधर आ गया, तो ये 20 रीडिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 177 से 190 हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि 360 से ज्यादा रीडिंग नहीं पढ़ सकते तो ये 20 हो रहा है, ठीक है, या 19 यस मैम, 19 हो रहा है ना। तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए इस पे आते हैं, मैं वर्चुअल लैब दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर ये 1 year टेबल है, ठीक है। अगर आप 1 year टेबल को बिना रोटेट करे रीडिंग लेंगे, तो जो पीछे रीडिंग आई है वो रीडिंग आएंगी, उस तरीके की रीडिंग आएंगी, फिर आपकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये 1 year टेबल रोटेट करना पड़ता है कि ये जीरो को क्रॉस ना करे, जब हम रोटेट करें दूसरी साइड तो ये जीरो को क्रॉस ना करे, तो इसको इस तरीके से रीडिंग करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें इसी रेंज में रीडिंग दे, ठीक है। इसके आप जब 1 year को रोटेट करेंगे तो आपको फिर टर्न टेबल भी रोटेट करनी पड़ जाएगी, है ना, टेलीस्कोप करने पे, तो फिर इनको सेट करके ग्रेटिंग टेबल और 1 year टेबल को फिर रीडिंग लेनी होती है कि हमें ये ठीक मिले। देखो वो मैम इसको अब इस क्रॉस ना तरीके, करे फिर हिस्ट्री को, हाँ वो 360 को क्रॉस ना करे, तो वो आपको काम करना है। वर्नियर अगर मैं टेबल आपको वाले बता पे। दूंगी कि आप, ओके हाँ आप, अगर मैं अभी आपको बता दूंगी कि कैसे करना है, तो फिर आप वहीं पे वैल्यू फिक्स करके कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से रीडिंग लेनी होती है कि वो 360 को क्रॉस ना करे और हमें फिर वही वैल्यू दे, तो उसको करिएगा, कल करेंगे लैब में।